ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल देखा था स्विच केस का, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इस एग्जांपल में भी हम लोग ऐसे कुछ छोटा सा ही प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया हैश इंक्लूड stdio डॉट h, देन उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम लोग इस इंट को वॉइड कर देते हैं, वॉइड मेन। देन उसके बाद हमने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिया है, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5, ठीक है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल ना लेके यहाँ पे कोई एक एक्सप्रेशन हमने लिखा है, ठीक है। हमेशा जब भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग यहाँ एक्सप्रेशन लिखेंगे उसको सॉल्व करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मीन्स या तो 1 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए, या फिर कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे केस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है x इज ग्रेटर देन y एंड x प्लस y ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एक प्रकार का हम लोग यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किए, तो कंडीशन अप्लाई जब हम लोग करेंगे तो वो हम लोग को वैल्यू देगा ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करने से हम लोग को पता चलेगा हमारा यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है क्या है। एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0, ये हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पे। इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। मीन्स 10 इज ग्रेटर देन 20 एंड 10 प्लस 20 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 20, ये हो गया फॉल्स, ठीक है। फिर उसके बाद 10 प्लस 20 इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया हमारा ट्रू। और दोनों के बीच में लगाया यहाँ पे लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ये बोलता है कि दो कंडीशन अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी ओवरऑल ट्रू आएगा, ठीक है। तो इस केस पे क्या हो रहा है, इस केस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने दिया है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5, सॉरी y इक्वल टू 5 था, मैंने यहाँ पे गलती से 20 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 5, ठीक है। तो 10 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, ठीक है। एंड 10 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मीन्स 15 इज ग्रेटर देन 0, दोनों ही केस में यहाँ पे कंडीशन हम लोग को मिल रहा है ट्रू, ठीक है। तो ट्रू के केस पे हम लोग को वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 1 वैल्यू मिलेगी। अब हम लोग यहाँ पे केस पे आते हैं, हमने यहाँ स्विच में एक्सप्रेशन दिया, जो एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व करने के बाद वहाँ वैल्यू मिल रही है 1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है 1 है, हमने यहाँ पे लिखा केस 1, और केस 1 में हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं हाई, हाई यहाँ पे प्रिंट किया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद केस 0 हमने लिखा है प्रिंट एफ बाय, उसके बाद ब्रेक हम लिख लिया, डिफॉल्ट में यहाँ पे दोनों लिख लिए हेलो बाय, ऐसा हम लोग लिख लिया। अगर कोई भी वैल्यू नहीं आती, 1 या फिर 0 में से नहीं आता है, तो डिफॉल्ट पे चले जाएगा और प्रिंट करेगा हेलो बाय। तो इस केस पे हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो केस 1 मैच करेगा और प्रिंट करेगा हाई, तो आउटपुट में हम लोग को यहाँ पे मिलेगा हाई मिलेगा, ठीक है, क्योंकि केस 1 में ही वो मैच कर गया और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करेगा हाई, ठीक है। तो इस प्रकार का एक छोटा सा एग्जांपल जिसमें हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल, जो स्विच वेरिएबल हम लोग को लेना था, उसकी जगह पे हम लोग कंडीशन लिए। और जब भी इस प्रकार का हम लोग कोई भी कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं तो हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है कि जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद वहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को मिलनी चाहिए। मीन्स कोई भी इंटीजर वैल्यू या फिर कैरेक्टर वैल्यू हम लोग को मिलनी चाहिए। जनरली कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वहाँ से हम लोग को इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार का एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा। सी स्विच स्टेटमेंट इज फॉल थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी एग्जाम में भी फॉल थ्रू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉल
फॉल थ्रू इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा तो सारे के सारे केसेस जो है वो एग्जीक्यूट होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इन सी लैंग्वेज द स्विच स्टेटमेंट इज फॉल थ्रू, इट मीन्स यू डोंट यूज ए ब्रेक स्टेटमेंट, यू डोंट यूज ए ब्रेक स्टेटमेंट। अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट वहाँ पे यूज नहीं किया है उस केस पे क्या होगा, जो भी मैचिंग केस होगा, ठीक है, लाइक यहाँ पे मान के चलिए केस 10 जो है वो मैच कर गया, केस 10 तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया है। अगर केस 10 मैच करता है तो इसके बाद वाले हर एक केस जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। मीन्स हम लोग को हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लिखना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे उस केस पे क्या होगा, जो स्टेटमेंट्स हमने लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा, इसके बाद वाले जितने भी स्टेटमेंट सभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, पूरे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, हो जाएंगे इंक्लूडिंग डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के साथ मतलब तो जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे सभी इसके सभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे वहां पे। जब तक ब्रेक हम लोग का एनकाउंटर नहीं होता है, ब्रेक स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है, तब तक वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे समझते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट h, हमने यहाँ पे void main यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर लिया, नंबर जो हमारा है इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है, मीन्स उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। हमने यहाँ पे इनपुट लिया और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ मैसेज हमने प्रिंट कर लिया, एंटर ए नंबर, ठीक है। स्कैनएफ लगा के हमने इस नंबर में इनपुट ले लिया, देन उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे लगाया, स्विच, और यहाँ पे नंबर को हम लोग यहाँ मैच कर रहे हैं, नंबर को हम लोग मैच करेंगे 10 से, 50 से और 100 से, ठीक है। तीन केस हम लोग यहाँ पे बना लें, केस 10, केस 50, केस 100, ठीक है। अगर नंबर की वैल्यू 10 होगी, अगर नंबर की वैल्यू 10 होगी तो प्रिंट करेगा नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर नंबर की वैल्यू जो होगी 50 होगी तो केस 50 में आएगा और प्रिंट करेगा नंबर इज इक्वल टू 50। अगर नंबर की वैल्यू 100 होगी तो केस 100 में मैच करेगा और प्रिंट करेगा नंबर इज इक्वल टू 100। अगर तीनों केस में नहीं आएगा तो डिफॉल्ट में जाना चाहिए और प्रिंट करेगा नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। अब यहाँ पे हमने कहीं पे भी केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा है, कायदे से हम लोग को यहाँ पे केस सेकंड मतलब सेकंड वाला जो केस है उसके स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे हम लोग को ब्रेक स्टेटमेंट लिखना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक लिख देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक लिख देते हैं तो उस केस पे क्या होगा, ये केस एग्जीक्यूट होने के बाद स्विच स्टेटमेंट जो है यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा, अगला केसेस इम्प्लीमेंट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है, अगर केस 10 मैच करता है तो वो केस 50 को भी एग्जीक्यूट करेगा, केस 100 को भी एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वाले जितने भी केसेस हैं सभी के सभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट इज फॉल थ्रू, इसी को बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट इज फॉल थ्रू, ठीक है। तो हम लोग को हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाना अनिवार्य है, मीन्स हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग को लगाना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। अगर हम लोग सेम इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं, ठीक है, रन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आउटपुट में देखेंगे, एंटर ए नंबर, हमने डाला 10, हमने वैल्यू डाला 10, तो सबसे पहला केस में यहाँ पे मैच होगा केस 10 में और प्रिंट करेगा नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये तो प्रिंट कर देगा, ये मतलब केस 10 के अकॉर्डिंग ये वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना चाहिए और सिर्फ यही वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन हमने ब्रेक कहीं पे भी नहीं लिखा है तो केस 50 भी एग्जीक्यूट होगा, केस 100 भी एग्जीक्यूट होगा और डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आउटपुट में हम लोग देख सकते हैं नंबर इज इक्वल टू 10 तो प्रिंट हुआ ही है, साथ में
नंबर इज इक्वल टू 50 भी प्रिंट हुआ है, नंबर इज इक्वल टू 100 भी प्रिंट हुआ है, और डिफॉल्ट वाला जो स्टेटमेंट था वो भी एग्जीक्यूट होके उसको भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बोलते हैं सी स्विच स्टेटमेंट इज फॉल थ्रू। अब इसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम लोग हर केस के बाद लगाएंगे ब्रेक। हम लोग यहाँ पे हर स्टेटमेंट के बाद लगाएंगे ब्रेक, तो इससे जो हमारा फॉल थ्रू है वो नहीं होगा, जो फॉल थ्रू है वो नहीं होगा। मीन्स जो केस मैच होगा सिर्फ और सिर्फ वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसका ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और वो इटरेशन वो एग्जीक्यूशन वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट इज सॉरी सी स्विच स्टेटमेंट इज फॉल थ्रू। डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है एंड इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स ए डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में जनरली हम लोग कोई भी कंडीशन लेते हैं, उसी कंडीशन को हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, कंडीशन चेक करने के बाद उसमें बताएंगे वो कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट पे भी वैसा ही होता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन मतलब जो हमारा स्विच वेरिएबल होता है उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ट्रू और फॉल्स चेक होता था, यहाँ पे एग्जैक्ट जो हमारा कॉन्स्टेंट है उसको चेक किया जाएगा। मीन्स जो यहाँ कंडीशन है वो ट्रू और फॉल्स में नहीं रहेगा, ठीक है, वो मैचिंग के ऊपर में, ठीक है, मतलब यहाँ पे इक्वालिटी चेक की जाएगी। वहाँ पे कंडीशन में ट्रू और फॉल्स चेक किया जाएगा, मतलब वहाँ पे हो सकता है कि वो ट्रू हो सकता है कि वो फॉल्स हो। ठीक है, दोनों के केस में अलग अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी चेक की जाती है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में हमेशा इक्वालिटी चेक की जाएगी, ये एक्सप्रेशन जो है जो भी आउटपुट देगा मीन्स या तो वेरिएबल की वैल्यू होगी या फिर हम लोग कोई कंडीशन लिखेंगे वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगा, या फिर कोई दूसरा एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे जिसको सॉल्व करने से एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को मिलेगी। मीन्स ये एक्सप्रेशन की वैल्यू और यहाँ पे जो केस की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो दूसरे केस को चेक करेगा, ठीक है, उससे भी मैच नहीं हुआ तो नेक्स्ट केस को चेक करेगा, ऐसे ही वो एन नंबर ऑफ केसेस को चेक करेगा, अगर सभी के सभी मैच नहीं होते हैं तो लास्ट में डिफॉल्ट को चेक करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात सिंटैक्स की, ठीक है, सिंटैक्स की बात हो गई। अब हम लोग यहाँ समराइज कर लेते हैं, एक बार समराइज करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इफ एल्स को देखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इफ एल्स ब्लॉक्स आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, स्विच में आते हैं यहाँ पे, द यूजर विल डिसाइड विच स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे यूजर डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यूजर ने क्या किया, वहां पे अलग अलग केसेस बना दिए, जिस केस से मैच हुआ वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूजर डिसाइड नहीं करता, यहाँ पे वो कंडीशन डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। देन उसके बाद आता है एक्सप्रेशन, इट कंटेन्स ईदर लॉजिकल और इक्वालिटी एक्सप्रेशन। ठीक है, इफ एल्स में हम लोग हमेशा लॉजिकल या फिर इक्वालिटी एक्सप्रेशन ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। स्विच में आते हैं, इट कंटेन्स सिंगल एक्सप्रेशन विच कैन बी ईदर ए कैरेक्टर और इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा वो सिंगल एक्सप्रेशन होगा या फिर सिंगल वेरिएबल होगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू होगी या फिर इंटीजर वैल्यू होगी।
ठीक है। देन आता है इवेल्युएशन, इट इवेल्युएट्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा सच एज इंटीजर फ्लोट, सच एज इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट कैरेक्टर और बुलियन। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग सभी टाइप के डेटा टाइप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्विच में आ जाते हैं, इट इवेल्युएट्स ईदर एन इंटीजर और कैरेक्टर। ठीक है, इंटीजर और कैरेक्टर को ही क्या कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहां पे सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन में क्या होगा, फर्स्ट द कंडीशन इज चेक्ड, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड अदरवाइज एल ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस कैसे होगा एग्जीक्यूशन का, सबसे पहले कंडीशन चेक किया जाता है, कंडीशन के आधार पर बेस्ड ऑन द कंडीशन जो इफ वाला ब्लॉक है या फिर एल्स वाला ब्लॉक है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा। स्विच में आते हैं, यहाँ पे इट एग्जीक्यूट्स वन केस, आफ्टर अनदर टिल द ब्रेक कीवर्ड इज नॉट फाउंड और द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर एक केस मैच हो जाता है, ठीक है, जब तक ब्रेक स्टेटमेंट या फिर ब्रेक कीवर्ड उसको नहीं मिलता है तब तक वो सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो उसका एग्जीक्यूशन वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन पे, इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू देन बाय डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। स्विच में आते हैं, इफ द वैल्यू नॉट मैच विथ एनी केस देन बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो हमारे पास डिफॉल्ट स्टेटमेंट अवेलेबल है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, एडिटिंग इज नॉट ईजी इन द इफ एल्स स्टेटमेंट। हम लोग यहाँ पे कोडिंग को जो है एडिट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे एडिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन के आधार पर हम लोग कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, स्विच केस में आते हैं हम लोग यहाँ पे, केसेस इन ए स्विच स्टेटमेंट आर ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई, देयरफॉर वी कैन से दैट द रिमूवल ऑफ editing of any case will not interrupt the execution of other cases. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी cases कभी भी add कर सकते हैं, कभी भी delete कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, एक case को अगर हमने हटा दिया तो दूसरे case को कभी भी effect नहीं करेगा। ठीक है, सभी के सभी cases जो है यहाँ पे individual होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, हर केसेस यहाँ पे अलग अलग होंगे, हर केस का अलग अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्पीड पे। ठीक है, इफ देयर आर मल्टीपल चॉइसेस इम्प्लीमेंटेड थ्रू इफ एल्स देन द स्पीड ऑफ द एग्जीक्यूशन विल बी स्लो। अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस है, लाइक इफ एल्स इफ लैडर हमने लगाया है या फिर नेस्टेड इफ हमने यूज किया है। ठीक है, नेस्टेड इफ में भी अगर मान के चलिए एक इफ के अंदर दूसरा इफ है, दूसरे के अंदर तीसरा इफ है, तीसरे के अंदर चौथा इफ है। ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और एग्जीक्यूशन का स्पीड जो है वो उतना ही कम होते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जितने ज़्यादा कंडीशंस हम लोग लगाते जाएंगे, जितने ज़्यादा स्टेटमेंट्स हम लोग एग्जीक्यूट करते जाएंगे, एग्जीक्यूशन का स्पीड जो है वो स्लो होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे स्विच में, इफ वी हैव मल्टीपल चॉइसेस देन द स्विच स्टेटमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन एज द स्पीड ऑफ द एग्जीक्यूशन विल बी मच हायर देन इफ एल्स। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस है, ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए हमारे पास 50 चॉइसेस है, ठीक है, तो हम लोग 50 चॉइसेस के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट अगर यूज करते हैं तो हम लोग का जो स्पीड है वो स्लो होगा,
जो एग्जीक्यूशन का स्पीड है वो स्लो होगा। अगर वहीं पे हम लोग स्विच केस यूज़ करते हैं तो 50 केसेस के लिए 50 कंडीशन है या फिर 50 टाइप के हमारे पास चॉइसेस है, 50 चॉइसेस के लिए 50 केसेस हम लोग बना लेंगे और वो बहुत ईजी हो जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेगा और बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस था दोनों के बीच में। ठीक है, जहाँ पे हम लोग इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट किए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है।